कांवड़ यात्रा 2024 को देखते हुए यूपी की सरकार बड़े कदम उठा रही है। शासन प्रशासन की ओर से लगातार नए नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में नियम तय किए गए थे। यहाँ पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा। अब इस आदेश को पूरे यूपी में लागू करने की बात सामने आई है। सीएम योगी ने नए निर्देश में कहा है कि पूरे राज्य में कावड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा। सभी कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपना नाम और अपनी पहचान बतानी होगी। ऐसा कावड़ यात्रियों की आस्था और शुचिता को बरकरार रखने के लिए किया गया है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने चेतावनी दी है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई भी होगी। दुकान संचालकों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। कावड़ यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी यही फैसला लिया है। अब उत्तराखंड राज्य में दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति में उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति में उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। यहाँ दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी तेजी से किया जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने हाईवे पर बने ढाबों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। नारसन से लेकर हरिद्वार कावड़ पटरी हाईवे पर कई दुकानें और ढाबे हैं। यहाँ भी ढाबा संचालक और दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगवानी होगी।